हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौसमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं अपने लिटिल टेरेस पे हूं और हमारे यहां का मौसम धीरे धीरे बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले भी बहुत बारिश हो चुकी थी हमारे यहां, तो उसके वजह से मेरे जो चीकू के प्लांट है जिस पे अभी बहुत सारा फ्रूटिंग देख पा रहे हो, तो इस पे थोड़ी फंगल अटैक्स आ गए हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही बड़ा हो गया है, बहुत ही घना हो गया है, तो इस वजह से शायद ऐसा हुआ है। तो मैं आज इस पॉट को टर्न कर दिया है ताकि जो पोर्शन पे धूप अच्छे से नहीं लग रहा था उस पोर्शन पे बहुत ही अच्छे से धूप लगे। तो देख सकते हो कुछ ऐसा हुआ है। तो कुछ पत्ते वगैरह मैंने हटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही झाड़ीदार पौधा हो गया है ये। तो आज बहुत सारा काम इधर फिर से करनी है, क्योंकि अभी पतझड़ का मौसम भी चल रहा है। देख सकते हो मेरे गार्डन पे कितने सारे सूखे पत्ते। ये प्लांट देखने के बाद किसी फ्रेंड ने मुझे बुलाया है कि ये पहली बार उन्होंने देखा है कि पिंक कलर में भी कांचन फूल खिलते हैं, यानी कि कचनार खिलते हैं। और गिलहरिया जो है वो तो मेरे हिबिस्कस की जो कलियां बनते हैं वो तो चट कर जाते हैं। तो पूजा के लिए फूल मुझे मुश्किल से मिलती है। तो अभी अरुण को बुलाया है ताकि अरुण की मदद से मैं कुछ काम कर पाऊँ। ये जो स्टैंड वगैरह दिख रहे हो, तो वो सारी जो पॉट है जो ज़मीन के ऊपर है उसको मुझे पॉट के ऊपर रखना है। और इधर देख सकते हो मेरे कामिनी के प्लांट जो कि मैंने ऊपर लिटिल टेरेस पे वापस लेकर आई हूँ। तो इधर का काम हो गया है। तो अभी मैं नीचे वाले टेरेस पे हूँ, क्योंकि इधर देख सकते हो मेरे पॉट जो मिट्टी के पॉट है वो कलर करने की काम चालू है। तो मैं इसलिए ये सब दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे इसके बारे में पूछते हो कि कौन सी कलर आप यूज़ करते हो मिट्टी के पॉट कलर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं ये सारे जो कलरिंग का काम, चाहे वो मिट्टी का पॉट हो या प्लास्टिक का कोई डिब्बा हो, वो मैं सिंथेटिक एनामल से कलर करती हूँ। तो ये रहा वो सिंथेटिक एनामल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आज छोटू सा रखते हैं। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर पसंद किए हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कीजिएगा। तो ओके, बाय, टाटा।